नमस्कार, मैं जेबा बुंदेलकर न्यूज 24 चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। बढ़ते हैं कुछ मुख्य खबर की तरफ। इस समय पूरे देश में महंगाई से हाहाकार मचा हुआ है। महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है, जबकि लोगों की आमदनी कोरोना के कारण से एक चौथाई भी नहीं रह गई है। लाखों की संख्या में लोगों की नौकरी चली गई है, लोग बेरोजगार हो गए हैं। आर्थिक तंगी में मध्यम वर्गीय परिवार गुजर बसर कर रहे हैं। गरीबों की तो पूछो ही नहीं, उनका क्या हाल है, बस दम निकलना बाकी है, कोई सुनने वाला नहीं है। आर्थिक स्तर लगातार गिर रहा है, पर महंगाई उससे डबल तेजी से बढ़ रही है। महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। पेट्रोल के दाम में तो आग लगी हुई है। हर रोज डीजल और पेट्रोल के दाम में वृद्धि होती है। तो कुछ साल पहले अगर पेट्रोल के दाम 50 पैसे भी बढ़ते थे तो हाहाकार मच जाता था। अब तो हर रोज दाम बढ़ते हैं, कोई सुनने वाला ही नहीं है। अगर जनता में से कोई आवाज उठाता भी है कि पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ रहे हैं, तो यह कहकर मुंह को शांत कर दिया जाता है कि यह पैसा देश के विकास में ही तो खर्च हो रहा है। मानो इससे पहले तो कभी देश का विकास हुआ ही नहीं। मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार खून के आंसू रो रहे हैं। परिवार के मुखिया को समझ नहीं आ रहा है कि परिवार कैसे चलाएं। पेट्रोल 100 रुपए के पार पहुंच गया है। गैस सिलेंडर के दामों में हर हफ्ते वृद्धि हो रही है। और ये तो छोड़िए, खबर यह भी आ रही है कि अगस्त सितंबर तक गैस सिलेंडर के दाम में 60% से ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। आखिर गरीब कैसे गुजारा करेगा? एक मध्यम वर्गीय निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में बदल गया है। हाल बेहाल है, पर जनता कहे भी तो किससे कहे? यहां नेता सुनने वाले तो हैं ही नहीं। नेता तो कहते हैं कि महंगाई है ही नहीं। वे कहते हैं अगर पेट्रोल महंगा हो रहा है तो साइकिल से काम चलाइए, इससे सेहत अच्छी होगी। हर तरफ महंगाई की आग लगी हुई है। कहने वाले तो यह भी कह रहे हैं कि वह दिन दूर नहीं जब पेट्रोल 150 रुपए से ऊपर बिकेगा। कच्चे तेल के दामों में कमी देखी जा रही है, उसके बाद भी पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दाम तो थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि तीनों में रेस लग रही है, कौन सबसे आगे निकलेगा, ना जाने क्या होगा। अब तो सुन लो मोदी जी, आप हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम अगर आपसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? अब तो पेट्रोल डीजल और रसोई गैस को जीएसटी के दायरे में ले आइए और इसके दामों को नियंत्रित कीजिए। इनकी दौड़ बहुत लंबी हो जाएगी, आम जनता की पहुंच से बाहर निकल जाएंगे पेट्रोल डीजल और रसोई गैस, अमीर आदमियों की पहुंच तक तो रह जाएंगे। अब तो सुन लो मोदी जी, आखिर गरीब कहां जाएंगे, कैसा गुजारा करेंगे, कैसे जिएंगे? कोरोना की वजह से तो मजदूरों को आज भी काम नहीं मिल रहा है, वे आज भी घरों में बेरोजगार बैठे हैं, दो वक्त की रोटी के लिए भी लाले पड़ रहे हैं। कुछ तो करो मोदी जी, अब तो सुन लो मोदी जी। आपके क्या विचार है महंगाई को लेकर, बढ़ती हुई पेट्रोल और डीजल की कीमत को लेकर? हमारे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।